इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस तरीके का बीज दीदी लोग कैसे लगाएंगी। अरे सारी दीदी को इस विधि में इतना मजा आ रहा है कि सब भैया को घेरे बैठी हैं, क्योंकि यह सब सोच रहे हैं कि घर की बगैर रासायनिक खाद द्वारा उगाई गई सब्जी का मजा ही कुछ और है। इस तैयार बोरी को हम 24 घंटा छोड़ दिए थे, अब ये 24 घंटा पूरा हो गया है। अब इसको हम ये बता रहे हैं कि कैसे बीज इसमें रोपा जाएगा। तो पहले देखिए दीदी, सबसे पहले हम ये जो है इस जगह फिर हम एक छेदा करते हैं और इसके सामने फिर दूसरा छेदा हम इस तरफ करते हैं। अब देखिए दीदी, अब इससे ऊपर होकर के थोड़ा सा यहाँ पर एक कटिंग करना है। अच्छा भैया, ऊपर की इसे हमने सामने और ऊपर नीचे क्यों हो रहा है इसमें छेद? हाँ दीदी, देखिए दीदी, अब इसके सामने इधर करेंगे। आपने पूछा कि आमने सामने और ऊपर नीचे क्यों करते हैं? हाँ भैया, देखिए भैया दीदी, अब इसमें हम चार प्रकार के बीज लगा रहे हैं। अगर चार प्रकार का बीज लगा रहे हैं तो समानांतर में भी और ऊपर नीचे भी हम करते हैं, तो ये क्या होता है, सब जगह उसका जड़ गया तो सब जगह से होता है क्या, तो सब अलग अलग जड़ है उसको पोषण एक जैसा नहीं। देखिए दीदी, अब इस मिट्टी को हम ऐसे करके के हम इसको 45 डिग्री का कोण बना देते हैं, एक तरह से समझिए कि ताकि ये जो है बीज इसमें जब लगेगा तो वो इस तरह से करके वो बीज निकल। अच्छा भैया, कौन का हल बनाएंगे, सीधे क्यों नहीं इसमें डालेंगे बीज? सीधा डालने से दीदी वो पौधा जो है अच्छा से निकल नहीं पाएगा। अच्छा ठीक। अब दीदी, इस पर जो है कोई भी हम लत्तेदार बीज को हम इसमें लगा सकते हैं, तो हम इसमें जो है हल्के से इसमें बीज को हम रख देंगे और फिर इस पर जो है मिट्टी जो है हल्की सी ऊपर से इसमें डालेंगे। अब जिस प्रकार इधर लगाए दीदी, उसी प्रकार इस पर इस तरफ भी हम इसमें अब हम कोहरा लगाएंगे। उसमें तो कद्दू लगाए दिए दीदी, अब इसमें हम कोहरा लगाएंगे। अब देखिए दीदी, जैसे उसमें हल्की मिट्टी दे दी, इसमें भी हल्का सा मिट्टी इसमें डाल करके और फिर इसको। अच्छा भैया, इसमें पानियों का ज़रूरत पड़ेगा? देखिए दीदी, जब ये दो पत्ता का पौधा इसमें से निकल जाए उसके बाद इसमें से ये बांस के द्वारा पानी डाल दीजिए। हर दो चार दिन पर पानी डालते जाइएगा ताकि इसका नमी बना रहे। एक बार और है दीदी कि जब ये पौधा निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसको रस्सी के द्वारा चारों तरफ से रस्सी के द्वारा अलान पर चढ़ाने के लिए हम इसको बना देंगे रस्सी द्वारा। अब हम इसमें जो है इस साग के बीज को इसके ऊपर हम बोएंगे और बो करके फिर इसको जो है मिट्टी में ऐसे करके मिला देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा दीदी, ये जब बीज उग जाएंगे तो जब धूप लगेंगे तो इस साग के पौधे से जो है उसे ढका हुआ रहेगा, तो इसमें नमी बना रहेगा।